हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आया है, उसमें आपको सिर्फ एक सिंगल लाइन दिखाई दी है पर आप फिर भी प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो वो कौन से केसेस हैं जिसमें यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो सकता है बट प्रेगनेंसी फिर भी हो सकती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और उनके साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए कि आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब एक फीमेल ट्राई कर रही होती है कंसीव करने के लिए, जब एक कपल अपने बच्चे के लिए ट्राई कर रहा होता है, तो वो हर मंथ का जो प्रोसेस होता है, वो हर मंथ में जो वो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उसके अंदर दो लाइन देखना हर फीमेल चाहती है। और जब वो दो लाइन सिंगल लाइन आती है तो हर फीमेल बहुत डिसहार्टन हो जाती है, बहुत निराश हो जाते हैं हम, क्योंकि हमें लगता है कि अरे यार फिर से हमारी प्रेगनेंसी जो है नेगेटिव आई है। बट वो कौन सी केसेस हैं जो फॉल्स नेगेटिव हो सकते हैं, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी जो है वो डेफिनेटली हो सकती है अगर आपका जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आया हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस केस में हो सकती है कि आपने जो किट परचेज की है वो एक्सपायर्ड है, मतलब आपने किट परचेज करके लाए, उसकी एक्सपायरी चेक नहीं करी और एक्सपायरी नहीं चेक करने की वजह से एक्सपायर्ड किट को यूज किया और जिसकी वजह से आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है जबकि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट कब हो सकता है कि आपने जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट है, ये बेसिकली जो ये किट्स हैं वो वर्क करती हैं HCG हार्मोन के कंसंट्रेशन पे जो कि आपके यूरिन में कितना है। तो जो यूरिन है, जब हम मॉर्निंग सैंपल, उसमें एडवाइस होता है कि आपको मॉर्निंग सैंपल लेना है। क्यों? क्योंकि जो मॉर्निंग सैंपल है आपकी यूरिन का, वो पूरी रात का रुका हुआ आपका टॉयलेट है, तो उसमें जो HCG हार्मोन का अमाउंट है वो अच्छी तरह कंसंट्रेटेड अमाउंट में है, तो किट उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है। अब आपने मॉर्निंग सैंपल नहीं लिया और आपने कोई और डे का यूरिन लिया और उसमें वो जो यूरिन है वो डाइल्यूट हो जाता है पूरे दिन के पानी इनटेक से, तो उसके अंदर जो HCG हार्मोन है उसका अमाउंट उतना नहीं है कि किट उसको डिटेक्ट कर सके, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी होते हुए आपकी किट में सिंगल लाइन आ सकती है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट आपका जो है, आपने क्या किया है कि जो टेस्ट किया है वो जल्दी कर लिया है, मतलब जिस दिन आपका मिस्ड पीरियड डेट था आपने अगर उसी दिन टेस्ट कर लिया तो हो सकता है कि उस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाए, लेकिन बहुत सारे केसेस में उस दिन टेस्ट नेगेटिव भी आता है क्योंकि जो आपका ओव्यूलेशन है वो ओव्यूलेशन कब हुआ है आपकी उस पूरे साइकिल में, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन कब हुआ है, इम्प्लांटेशन, मतलब वो सब कुछ चीजें हैं कि वो कब कब प्रोसेस हुई है, तो उसके बेसिस पर जो हार्मोन का अमाउंट है वो बॉडी के अंदर बढ़ता है और हो सकता है कि तब तक हार्मोन का अमाउंट उतना नहीं बढ़ा हो कि जो है आपका टेस्ट पॉजिटिव आ सके पर प्रेगनेंसी होती है। तो अगर आपने जिस दिन मिस्ड पीरियड है और उस दिन आपका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है तो आपको दो तीन दिन बाद फिर से ट्राई करना चाहिए, कई बार एक हफ्ते बाद ट्राई करें तो दोबारा से करने से वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। उसके अलावा एक और क्या केस है कि जो ये प्रेगनेंसी टेस्ट होते हैं इनके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इनको आपको जो है इसमें 3 ड्रॉप्स आपको डालनी है यूरिन की और उसके बाद आपको 3 मिनट्स के अंदर इसको चेक कर लेना है, कुछ पे 1 मिनट लिखा होता है और लिखा होता है कि 5 मिनट से ऊपर होने पर वो जो टेस्ट का रिजल्ट आए वो आपको नहीं चेक करना है। तो कई बार फीमेल्स क्या होता है कि यूरिन उसमें डालती हैं, डालते के साथ ही जो है जो लाइन है वो सिंगल आ जाती है और उनको लगता है टेस्ट नेगेटिव है। तो नहीं, आपको जितना आपके किट के ऊपर टाइम मेंशन है कि जो रिजल्ट्स है वो आफ्टर 1 मिनट चेक करें या 2 मिनट या 3 मिनट बाद, तो उतने टाइम आपको रुकना चाहिए और उसके बाद चेक करना चाहिए, क्योंकि जो लाइन है वो कई बार एकदम इंस्टेंटली नहीं आती है क्योंकि जो हार्मोन है वो उसको डिटेक्ट करने में टाइम लेता है, तो इसलिए वो इंस्टेंटली नहीं आती है। कई बार 1.5 मिनट के बाद 2 मिनट के बाद उसमें लाइन दिखाई देती है जो प्रॉपरली क्लियर होती है, बट तब तक आप उस किट को उठाकर डस्टबिन में फेंक चुकी होती हैं जबकि आपका टेस्ट पॉजिटिव होता है। एक और केस है कि आपने जो किट परचेज की है उसकी एक्सपायरी सही है, वो एक्सपायर्ड नहीं है, लेकिन जो आपका केमिस्ट है जहां से आपने उसको परचेज किया है वो उस किट की हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, स्टोरेज प्रॉपर नहीं करते हैं, तो ये जो किट्स होती है इनको बेसिकली हमको फ्रिज में स्टोर करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं जो फ्रिज में नहीं स्टोर करके इन्हें डब्बों में ऐसे ही स्टोर कर लेती हैं, तो उसमें जो सेंसिटिविटी ऑफ किट है वो रिड्यूस हो जाती है, वो हार्मोन को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं और प्रेगनेंसी नेगेटिव आ सकती है
जबकि आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो ये सारे केसेस हैं जिन केसेस में प्रेगनेंसी नेगेटिव आ सकती है पॉजिटिव होते हुए भी। अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे एक्सपीरियंस में क्या हुआ था कि जब मैंने किट परचेज की थी तो वो फर्स्ट किट में ही पॉजिटिव आ गया था रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे दो तीन दिन बाद लगा कि नहीं चलो, क्योंकि जो हम टेस्ट करते हैं तो वो फन होता है, मजा आता है दो लाइंस देखने में। तो मैंने दोबारा किट मंगाई और उसमें वो किट देखते के साथ ही जो रिजल्ट था वो नेगेटिव आ गया, उसमें सिंगल लाइन आई। बट क्योंकि मैं डॉक्टर हूं तो मैं समझ गई कि ये किट खराब है, क्योंकि मेरी बॉडी में प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स शो कर रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप दूसरी किट लाइए दूसरी शॉप से परचेज करके, और वो दूसरी शॉप से जहां से परचेज कर लाए हैं वहां की जो किट थी वो प्रॉपर उसको फ्रीजर में फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते थे। तो जबकि कंपनी दोनों ही किट्स की सेम थी, जो वो पहले लाए थे उसकी भी, लेकिन जो पहले जिस शॉप से लाए थे वो एक डब्बे में उन्होंने डाली हुई थी और ये जो काम जिस शॉप से लाए थे उसमें वो स्टोरेज प्रॉपर करते थे। सेम कंपनी की किट जब मैंने दोबारा यूज की तो टेस्ट पॉजिटिव आया। एक और चीज जो मेरे साथ भी हुई है कि मैंने जब वो किट यूज की, फर्स्ट वाली किट यूज करते ही उसमें लाइन नहीं आई थी, उसको आने में ऑलमोस्ट 1.5 मिनट लगा, उसके बाद वो लाइन बहुत ही अच्छे से विजिबल थी। तो इसीलिए मैंने बोला कि कई बार फीमेल्स वेट नहीं करती हैं और किट को डिस्कार्ड कर देती हैं बट वो उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने आपको बता दिया कि किस किस केसेस में आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते हुए भी आपकी किट नेगेटिव आ सकती है। तो निराश मत होइए, किट को प्रॉपरली यूज कीजिए, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, और अगर आपको लगता है अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी बॉडी में आपको लग रहा है कुछ चेंजेस हैं और आप बेबी के लिए ट्राई कर रही थी और आपकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स हैं तो आप अपनी गायनी से मिलिए। बिना किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले अगर आपको लग रहा है कि किट्स नेगेटिव आ रही हैं बट आपको ऐसा बॉडी में लग रहा है तो वो फिर अल्ट्रासाउंड आपके करवा सकती हैं, ब्लड टेस्ट कराती हैं HCG के लिए, तो उसके बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं। तो आई होप ये वीडियो उन फीमेल्स के लिए और इनफैक्ट सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि अगर कोई डिसहार्टन फीमेल है तो वो इसको देखकर डेफिनेटली समझ जाए कि हो सकता है कि उनकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो बट किट उन्होंने ठीक तरह से नहीं यूज की हो। और अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। सो थैंक यू सो मच।